गाना और खटक डांस जो है वो दरकार है। मैं माजरत चाहती हूँ, बहुत सारी कॉल्स जो हैं वो होल्ड पे, बहुत बहुत ज़्यादा शिकायतें मुझे मिलने वाली हैं इस शो के बाद, मुझे पता है। मगर आपको पता है ये एक धूम धड़क्का शोर शराबा जो है, इसमें मैं जिसकी कॉल पिक कर सकती हूँ मैं पिक कर लेती हूँ। अभी एक कॉल पिक करती हूँ। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं जी? जी फिजा कैसी हैं? साजिद बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक ठाक। तारिक बात कर रहे हैं? साजिद, साजिद भाई जी क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। कर मैं क्या कहना चाहेंगे, बहुत बहुत अच्छा शो है, बहुत अच्छा सेट है आपका, और बड़े दिनों के बाद मैंने देखा है शो आपका, तो क्या बात है। देखना क्यों छोड़ दिया था पहले ये तो बताइए, मैं नाराज हूँ, जाइए, मैं नहीं बात करी। हाँ कॉल कट गई, आई एम सो सॉरी, इतनी अच्छी कॉल थी साजिद, इतनी चीज़ों से बात कर रहे थे। आई एम सो सॉरी साजिद, अब कॉल करोगे नेक्स्ट टाइम तो तरीके से बात करूँगी, मगर ये सवाल याद रखना कि बीच में शो देखना क्यों छोड़ दिया था, काफ़ी दिनों के बाद क्यों देखा है? इतना सारा मैंने, इतना अच्छा अच्छा काम किया, कितने वीक्स हमने सेलिब्रेट किए, कितने सारे टॉपिक्स के ऊपर बात किया, यार इस तरह नहीं करते भाई लोग, दुख होता है यार, तकलीफ होती है, बहुत हर्ट होती हूँ मैं इस तरह। तो अब वक्त हुआ जाता है खटक डांस का और साथ साथ गाने का, तो गाना हमको कौन सुनाएगा? शाहिद साहब। और खटक डांस हमको कौन? अतड़, अतड़ डांस, दूल्हा के भाई है, अतड़ बहुत अच्छा डांस करते हैं। चलिए जी काशिफ साहब आ जाए, और ये आ जाए, दोनों आप ही आ जाए अतड़ के लिए स्पेशल। अच्छा मुझे पता नहीं था काशिफ साहब को डांस आता है। अरे डांस आपको क्या बताऊं, अभी आपको पता चलेगा कि कैसा डांस करती है। माजिगार देखन दे अदा की पूरी समा मांगे, वाजगार देखन दे सड़ा ची झूला सावा, माजिगार देखन दे अदा की पूरी समा मांगे, वाजगार देखन दे सड़ा ची
आप देखा कि क्या क्या मजे से परफॉर्मेंस मेरे भाई लोग यहाँ पे कर रहे हैं। पठान, एक बात कहना चाहूँगी इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम के अख्तिताम की तरफ अब खुदाफिस करने की तरफ रवा दवा हूँ। देखिए जी, हम लोग सिर्फ और सिर्फ भंगड़े को प्रमोट कर रहे होते हैं हर फंक्शन में, हर फिल्म्स में, हर जगह पे। जब आप जाएँ तो वो भंगड़ा या फिर वो चिंगियोटियों का जो घूमड़ होता है, वो घूमड़ प्रमोट कर रहे होते हैं। हमने कभी अपने इस कल्चर की तरफ नहीं इतना देखा कि हम इसको प्रमोट करें। अब आपने देखा खटक डांस, माशाल्लाह है, खटक डांस माशाल्लाह कितना कलरफुल है, रुमाल के साथ प्ले कर रहे हैं, जोश कितना है, एनर्जी कितनी है। तो ये एक हमारा वो कल्चर है जिसको हमें प्रमोट करना चाहिए। इवन ये रंग जो है इस तरह से हमें अपने बिखेरने चाहिए। इनका जो घोड़े का भी डांस होता है ना, वो भी मुझे बड़ा बड़ा पसंद है। शायद मैं आपको घोड़ों का डांस भी जो है वो अपने सेट पे दिखा दूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ट्रेडिशन जो मैं दिखाऊँ। रुक जा, इधर आइए। ये चपली कबाब जो है, चप्पल कबाब जो है, ये ख़ास इनकी ट्रेडिशन है। मैं पहले आपको दिखा दूँ मर्दान के, ये आप देखें क्या बात है। इतना बड़ा चप्पल कबाब जो है वो मर्दान की स्पेशलिटी। इसमें टमाटर यहाँ पे लगे हुए हैं, साबुत धनिया बड़ा अच्छा तरीके से जो है छिड़का हुआ है, प्याज में बना हुआ है और बहुत अच्छा तला हुआ है, खुशबू भी हाँ। और इसके साथ नान, और इसकी इमली की चटनी है, और इसके साथ इमली की चटनी और ये नान जो है ट्रेडिशन इनका सर्व किया जा रहा है। तो सबको खाना सर्व कीजिए जब तक के। और मेरी तरफ से आज फिर खुदाफिस करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि एक दूसरे के साथ प्यार कीजिए, ख्याल कीजिए, और सबसे ज़्यादा मेरा शो देखिए, क्योंकि मैं आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो है नॉलेज भी देने की कोशिश करती हूँ, अपने कल्चर के साथ जुड़ के रहने की कोशिश करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मेरे शो की रेटिंग या मेरे शो की पब्लिसिटी किसी की गिबत करके ना हो, किसी की बुराई करके ना हो। वीना मलिक या मीरा जी की बुराई करके या किसी अपने पॉलिटिशियन की बुराई करके ना हो। जो कुछ है मैं कहती हूँ हमारे हाथ है, हम अच्छा कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं। हम खुद अब हमारे पास जो है कौम की जिम्मेदारी है, हम अपने मुल्क को खुद तरीके से लेके चल सकते हैं। अब हमें किसी के ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए, मगर रिस्पेक्ट की बात जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मेक श्योर कि कभी अपने प्रोग्राम्स को, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, कोई अपने प्रोग्राम की रेटिंग जो है किसी औरत की बेइज्जती करके या उसकी बुराई करके हासिल ना करे। और मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं रेटिंग की जंग में नहीं हूँ, मैं एक पॉजिटिविटी की तरफ हूँ कि मैं चाहती हूँ पॉजिटिविटी बांटूँ, रंग बांटूँ, अपने कल्चर को प्रमोट करूँ ताकि मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊँ तो लोग मुझे बोले लोशे पख्तूनदार। सो थैंक यू एवरीवन। मैं भी बात करना चाहता हूँ कि फिजा जो है वो अच्छी आर्टिस्ट के साथ अच्छी इंसानियत भी रखती हैं, और फिजा अच्छी सिंगर भी हैं, अच्छी बहन भी है, और फिजा हर लिहाज से फिजा जैसे हवा में लहराती है। तो फिजा के लिए बहुत सारी तालियां, इतनी अच्छी अच्छी बातें फिजा ने की। यकीन करें कि फिजा ने तो हमारा दिल जीत लिया, पिशावर के पठानों का वाले लगा सही को बना दिया। फिजा वेरी गुड फिजा। मिलेगा थैंक्स करने का, आप पेशावर से आए इतनी दूर से कुछ कहना चाहेंगे? जल्दी से कहना पड़ेगा। तो थैंक्स कहना चाहूंगा, और फिजा आज बहुत अच्छी लग रही हैं। 2008 में फिजा के ही कहने पे मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी, एंड शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि नंबर 1 मॉडल एक्ट्रेस है। बस आप खुश रहें, ऐसी कामयाब रहें। थैंक यू सारा मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू समी, आइए इधर। दूल्हा तुम खाना खाओ चुप करके, आज तुम्हें खाने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू मेरा दूल्हा भाई, तो खाना खा रहे। थैंक यू फिजा फॉर इतना अच्छा शो किया फिजा ने, और मेरे ख्याल में मैं सारे पठानों के लिए कहूँगी कि थैंक यू। अब आप गाना गाएंगे एक अच्छा सा, और हमें हाँ हमें जैसे जो है परफॉर्मेंस थोड़ी साथ साथ चलेगी हमारी। ये मत समझेगा कि हमारा ये पठान भी खत्म हो रहा है, कल फिर है और सो फिर है। हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया ट्रेडिशन जो है आपके लिए इस पख्तून वीक में दिखाने की कोशिश करेंगे, इनका कल्चर दिखाने की कोशिश करेंगे। रहिएगा मेरे साथ, जीतिए और जीतते रहिए। गाना जी, मैं आपको अपना गाना सुनाता हूँ।
और गाना मैं डेलीगेट करता हूँ हमारी जो जिन्होंने इतना डिजाइन किया है, मेरा भी हक बनता है इनको एक गाना डेलीगेट करूँ। गाना ये है कि आप लोग बैठिए, किसी ने उठना नहीं है। मस्त जी नहीं मस्ती इशारे मजा कवि दतूर कमीज द पास सितारे मजा कवि मस्त जी नहीं मस्ती इशारे मजा कवि दतूर कमीज द पास सितारे मजा कवि दतूर कमीज द पास सितारे मजा कवि लई 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 मस्त की खैर माना मस्त मस्त की तनखरे मजा कवि कतूर कमी उसके पास